Welcome guys in another video of Nuhi's biology classes. Today we are going to discuss syllabus of NEET exam. बच्चे हमसे डिमांड कर रहे थे कि मैम नीट के लिए बायोलॉजी का सिलेबस बता दीजिए. नीट 2025 में बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं. आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता ही है कि जो नीट का पेपर होता है वो 720 नंबर का होता है. 720 नंबर में से यानी 720 मार्क्स में से 360 मार्क्स की यानी 360 मार्क्स की बायोलॉजी आती है. कितने मार्क्स की बायोलॉजी आती है? 360 मार्क्स की. आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर 360 नंबर की बायोलॉजी आ रही है तो यानी आपको नीट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत कहाँ पर है? बायोलॉजी पर, क्योंकि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर रही है, राइट? उसके बाद आप देख सकते हैं जो फिजिक्स आता है, फिजिक्स 180 मार्क्स का आता है, 180, राइट? और जो आपकी केमिस्ट्री आती है वो भी 180 मार्क्स की ही आती है. तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए? बायोलॉजी पे फोकस करना चाहिए. ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स को आप छोड़ देंगे, लेकिन बायोलॉजी को आपको बड़े सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहिए. तो जो नीट 2025 में बायोलॉजी में यूनिट्स और चैप्टर्स आने वाले हैं उसी को हम आपको बताने वाले हैं, कहाँ से कौन सी यूनिट ज़्यादा नंबर लेगी और कौन सी यूनिट में कम क्वेश्चन आएंगे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट फर्स्ट. यूनिट फर्स्ट में आपके जो चैप्टर्स आने वाले हैं, आप क्लास 11th की, क्लास 11th की NCERT सबसे पहले परचेस कर लीजिए. अगर किसी भी बच्चे को नीट क्रैक करना है, नीट क्रैक करने के लिए बच्चे के पास सबसे पहले NCERT की बुक्स होनी चाहिए. तो आप परचेज़ कर लीजिए आज ही NCERT की बुक्स को. और बुक्स परचेज़ करने के बाद आप जो आज हम सिलेबस आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस सिलेबस की PDF निकाल कर अपनी वॉल पर पेस्ट कर लीजिए. समझ आ गई सबको? तो क्या करना है, NCERT की बुक परचेज़ करनी है और उसमें सबसे पहले आपको क्लास 11th की NCERT में चैप्टर पढ़ना है लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड के बाद आप प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम फिर आप पढ़ने वाले हैं, राइट? ये चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपकी ये यूनिट कवर हो जाएगी. यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस यूनिट से. तो ये यूनिट भी काफ़ी अच्छी है. उसके बाद आप सेकेंड यूनिट देखेंगे. सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल प्लांट्स. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर क्या क्या ऑर्गन होते हैं, क्या उनके अंदर पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है, राइट? उसके बाद आप देख सकते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो सेल स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले तो सेल वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं. सेल वाले चैप्टर में आप सेल की सारी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट होती है सेल, है ना, यूकैरियोट सेल होती है, सेल कितने तरीके की होती है, एनिमल सेल कितने तरीके की होती है, प्लांट सेल कितने तरीके की होती है, वो सब आप पढ़ने वाले हैं. उसके बाद आप सेल डिवीज़न वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं. सेल डिवीज़न में आप माइटोसिस और मियोसिस को पढ़ने वाले हैं. माइटोसिस और मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा नीट के पेपर में क्वेश्चन आता है. माइटोसिस मियोसिस को बड़े अच्छे से आपको पढ़ना है. उसके बाद आपकी जो यूनिट आएगी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ इसलिए हम यहाँ इसको रेड से हाईलाइट करेंगे. आप भी सिलेबस निकालने के बाद इसको रेड से हाईलाइट कर लेना कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लिख लेना वेरी वेरी IMP यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है. इस यूनिट को आपको बार बार NCERT की लाइनों से बार बार पढ़ना है. और प्लांट फिजियोलॉजी में अराउंड आपके 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे. यहाँ बहुत सारे पाथवे होते हैं,
ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है, फॉस्फोरिलेशन होता है, ईएमपी पाथवे होता है, C3C4 पाथवे होता है, टीसीए साइकिल होती है, क्रैब साइकिल होती है, सो मैनी पाथवे आर हेयर। सो बहुत सारे पाथवे हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इन पाथवे को पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन ये पाथवे सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं। इनको लर्न करने के लिए आपको क्या बनानी है, अपनी ट्रिक बनानी है, और ट्रिक बनाने के साथ साथ आपको इनके नोट्स बनाकर बार बार उनको रिवाइज करना है, बार बार एनसीईआरटी की लाइनें पढ़नी है। लाइनें पढ़ने के साथ साथ आपको उन्हें हाईलाइट करना है, कुछ पॉइंट्स को एनसीईआरटी की साइड बाय साइड लिखना है, एनसीईआरटी की लाइनों को पॉइंट में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ताकि ईजी हो जाए लर्न करना। तो ऐसे आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद आप देखिएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑल्सो इज़ अ वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस ऑल्सो वेरी वेरी आईएमपी। ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली जो यूनिट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप पहले ही लिख लीजिएगा बेटा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी अराउंड आपके 40 से 45 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, हमेशा ही। आप नीट के प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी से और प्लांट फिजियोलॉजी से। और जो आपकी पहली यूनिट थी क्लास 11 की एनसीईआरटी की लिविंग वर्ल्ड वाली, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे फाइलम है, यानी किंगडम क्लासिफिकेशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी से। तो इन यूनिट को आपको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरी मेन इम्पोर्टेंट मैं आपको बात यहाँ पर बताना चाहूँगी, यहाँ पर हमारी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी फिनिश हो जाती है, 11th एनसीईआरटी यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्लीट। नीट का आपने जो ये सिलेबस पढ़ा है यूनिट फाइव तक इसमें 19 चैप्टर राउंड आएंगे। वैसे तो इस बुक में आपको, अगर आप लेटेस्ट बुक लेंगे तो 19 ही चैप्टर मिलेंगे, लेकिन अगर आप किसी की ओल्ड बुक लेंगे तो उसमें 22 चैप्टर होते हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी में। आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग्स करना चाहते हैं तो आप 22 के चैप्टर्स पढ़ें, लेकिन अगर आपको सिर्फ नीट के एस्पेक्ट से पढ़ना है और क्लास 11th और 12th के एस्पेक्ट से पढ़ना है, तो फिर आप उतने ही चैप्टर पढ़िए जितने आपको सिलेबस में दे रखे हैं। तो इस बुक से आपको 19 चैप्टर कवर करना है। और बेटा मैं एक बात और बताना चाहूँगी, क्लास 11th की एनसीईआरटी क्लास 12th के कंपैरिजन में टफ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको बार बार बच्चे को पढ़ना होता है, बार बार पढ़ने के बाद फिर भी भूल जाता है, फिर उसको दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है, फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमें चीज़ें याद रह पाती हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बार बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और फोकस के साथ पढ़ना है, क्योंकि आपको आपका नीट 2025 क्रैक करना है। तो अगर आपका कोई ड्रीम है तो आपको उसे लेकर चलना है। अभी आप देखिएगा, यहाँ से आपकी शुरू होती है क्लास 12th की एनसीईआरटी। क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है वो आपकी यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी भी सेम बुक परचेज करनी है, राइट? ये आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी यूनिट 6 से शुरू हो गई। 5 यूनिट आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी में कवर हो जाएंगी और रेस्ट यूनिट आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी में कवर हो जाएगी। तो आपको जो पहली यूनिट पढ़नी है वो पढ़नी है रिप्रोडक्शन। यहाँ पर रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, ठीक है? और उसके बाद इसमें तीसरा चैप्टर होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जब आप इसको पढ़ेंगे ना, इस यूनिट को, बहुत ईजी है पढ़ना, बहुत ज़्यादा ईजी है। मतलब इससे ईजी मैं कोई यूनिट मानती नहीं हूँ, अगर आप नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा ईजी यूनिट कोई है ही नहीं, ये आप मानकर चलिए। तो आपको सबसे पहले यूनिट कवर करनी है क्लास 12th की एनसीईआरटी से, ये वाले आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि बड़ी इजी लैंग्वेज में है और सब कुछ बहुत इजी है। उसके बाद आप देखिएगा, नेक्स्ट यूनिट आती है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी आई एम पी।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी IMP। जेनेटिक्स से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको जेनेटिक्स पे स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर DNA, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल डॉगमा, ग्रिप एक्सपेरिमेंट, हर्शीज़ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे, और मेंडल एक्सपेरिमेंट्स आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आप सिंड्रोम्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से फोकस से पढ़ना है। उसके बाद आप देखिएगा, यूनिट आ गई हमारी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर में क्या आता है, आपकी हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर आता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ये भी बहुत ईजी यूनिट है, जैसे ही आप कवर करेंगे, पढ़ेंगे एक बार NCERT से, तो आपको अच्छे से समझ आएगी। लेकिन साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन्स और ड्रग्स से, और आपके इम्यून सिस्टम से, जो एड्स यहाँ पर एक टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से आते हैं, पैटर्न कई बार चेंज हो जाता है क्वेश्चन का, लेकिन कुछ कुछ सेम रहता है, तो आपको ये यूनिट अच्छे से कवर करनी है। उसके बाद आपकी आती है यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट यूनिट, ये भी इम्पोर्टेंट यूनिट रहती है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें आप दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, राइट। और लास्ट में यूनिट होती है आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, अराउंड आपके यहाँ से 15-17 मार्क्स कवर होते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से। तो ये तो आपका नीट का सिलेबस है जो आपने देखा, यहाँ पे आपकी क्लास 12th की पूरी NCERT पूरी हो जाती है, क्लास 12th NCERT कंप्लीट। अब आपने क्या देखा, अराउंड 13 चैप्टर तो आपके क्लास 12th की NCERT में है, जो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग बताए हैं, और 19 आपके क्लास 11th में है। कितने हैं, 19 क्लास 11th की NCERT में, जो आपका टोटल चैप्टर हो गए दोनों के मिलाकर, राइट, वो कितने हुए भाई, 19 और 13 कितना होता है पता होगा सबको, 19 और 13 कितना होता है, तो अराउंड आपके पास 32 चैप्टर हो गए। अब 32 का आपको क्या करना है, टारगेट बनाना है, अपना टाइम टेबल बनाना है कि 32 चैप्टर्स हम इतने दिन में कवर करने वाले हैं। अब 32 चैप्टर 32 डेज में तो कंप्लीट नहीं होंगे, डेफिनेटली उनको करने में टाइम लगेगा, तो आप एक शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल बनाने के लिए आपको क्या करना है, शेड्यूल बनाने के लिए आपको एक पेज लेना है, और पेज पर आपको एक टेबल बनानी है, और उस टेबल में आपको सबसे पहले अपने चैप्टर्स लिखने हैं, चैप्टर्स के सामने आपको अपने डेज लिखने हैं, और डेज के सामने आपको आवर्स लिखने हैं। तो यहाँ आपके चैप्टर्स हो गए, यहाँ आपके डेज हो गए, और यहाँ आपके आवर्स हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चैप्टर वन लिया, चैप्टर वन फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 डेज में कंप्लीट करना चाहते हैं, और 5 डेज में पूरा होगा, लेकिन आप इसको कितने आवर्स पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बायोलॉजी 2 आवर्स पढ़नी है, तो आप ऐसे एग्रीगेट लेकर चलिए, और एक ऐसे पूरे ईयर का टाइम टेबल आप सेट कीजिए। अब आपको करना क्या है, आपने टाइम टेबल बना लिया और अपनी वॉल पर पेस्ट कर लिया कि मेरे को बायोलॉजी का चैप्टर 1 5 डेज में कंप्लीट करना है, और मुझे इसको पर डे 2 आवर्स पढ़नी है बायोलॉजी को। तो आपको टॉपिक वाइज अपना क्लियर करना है, टॉपिक वाइज क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NCERT की लाइन टू लाइन ऐसे स्टडी करनी है अच्छे से। जिन भी टॉपिक में आपको डाउट आता है आप YouTube से क्लियर कर सकते हैं, और हम YouTube पर आपको वीडियो प्रोवाइड करते ही रहते हैं, आगे भी जो भी आप टॉपिक की डिमांड करेंगे उसी पर वीडियो बनाकर डाल देंगे। मुझे लगता है अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हमें कैसे टाइम टेबल शेड्यूल प्रिपेयर करना है, और कितने चैप्टर आएंगे, हमें उसको कैसे कवर करना है। एक और मेन इम्पोर्टेंट बात, आपको कोई भी साइड बुक नहीं लेनी,
साइड बुक नहीं लेनी है। साइड बुक लेकर क्या होता है, बच्चे के ब्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और वो कभी साइड बुक से पढ़ता है तो कभी एनसीईआरटी से, जबकि सबको पता है कि नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है। क्या होता है, एनसीईआरटी बेस्ड, तो आपको इसे एनसीईआरटी से पढ़ना है, लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको क्या लेने हैं, आपको नीट के प्रीवियस ईयर पेपर लेने हैं और इन प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना है। क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं आप, एनसीईआरटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं और इससे आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको साइड बुक नहीं लेनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने हैं नीट के, कि इस साल में कैसा पेपर नीट का आया था, अगले साल क्या मॉडिफिकेशन हुआ, वो देखने के लिए बच्चों को चाहिए होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन बैंक, ठीक है। लेकिन रेफरेंस बुक आपको कोई नहीं लेनी है। ओके, थैंक यू।